आरती श्री रामायण जी के, आरती श्री रामायण जी की, शेरत कलित ललित सियापी की, कलित ललित सियापी की, गावत ब्रह्माद मुनि नारद, गावत ब्रह्माद मुनि नारद, वाल्मीक वेद ज्ञान विशारद, वाल्मीक वेद ज्ञान विशारद, सुख सन कादिशेष अरु सारद, सुख सन कादिशेष अरु सारद, वरने पवन सत कीरतने के, आरती श्री रामायण जी, गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश, छो शास्त्र सब ग्रंथन कोरस, शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, मुनि जन धन संतन को रस बस, सार अंस सम्मन सबही के, आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी, सार अंश सामन सब के, गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि ब्रज बखानी, व्यास आदि कवि ब्रज बखानी, कब भूषण गरुण के, आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हर निवेश रस भीके, कलिमल हर निवेश रस भीके, सुभग शिकार भूते जुबती के, सुभग शिकार भूते जुबती के, दलन रोग भव पूरी अमी 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 के, तात मात सब वेद तुलसी के, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियापी की, कीरत ललित ललित सियापी की, आरती श्री रामायण देखे। ओम ज्वालामालिन्यै नमः, आरार्तिक्यं जलेन शीतलीकरणं भुस्वै देवादिवन्दनं मन्त्रभुस्वाञ्जलिं, हरिः ॐ जगनेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यां, सन्नहं तेह नाकं महिमानहं, सचन्तजत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः, हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्,
हरि ओम। दशरथ नंदनाय विद्महे कौशल्याश्रुताय धीमहि तन्नो श्री राम प्रचोदयात्। हरि ओम अंजना नंदनाय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो श्री हनुमत् प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिगर्भीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्री रामायण महापुराण की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री परमात्मने श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री राम कथा रस रसिक प्रभो शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्यं परिणता वंदे श्री राजीव नेत्रम्
पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रात पर ब्रह्म अकारण करुणा वर्णालय परिपूर्णतम परमात्मा भगवान श्री राघव को प्रणाम। शिव जी हनुमान जी को साष्टांग बाबा तुलसी के चरणों में बार बार वंदन। श्रेष्ठ महाभाग आचार्य बंधु आए हो समस्त श्रोता भक्ति माता देवी बंधनो बंधो ये सज्जनों मुख्य जमान सहित समस्त परिवार विराजमान श्री हनुमान जी महाराज निमित्तार्थ श्री रामकृष्ण गौशाला नव दिवसीय श्री राम कथा बड़े हर्ष उल्लास के साथ भगवान श्री राम जी का और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का प्रादुर्भाव हुआ। देखिए जब भगवान का आगमन होता है तो भगवान के शास्त्र में सुख समृद्धि धन धान्य यश कीर्ति रिद्धि सिद्धि और भगवान का समस्त परिकर उनके साथ में ही आता है। जैसे कि हम लोग जाते हैं तो हम कोई अकेले थोड़ी जाते हैं, हम अपने साथ में परिकरों को भी लेकर के जाते हैं। ऐसे ही भगवान जब आते हैं धराधाम पर सज्जनों का संतों का भक्तों का कल्याण करने के लिए तो अपना परिकर साथ लेकर के आते हैं या अपना परिवार कह लो परिवार को साथ लेकर के आते हैं। अवध में बहुत आनंद है क्योंकि बहुत समय था, पुत्र कामेष्टि के यज्ञ से ही उनको पुत्र प्राप्त हुए। गुरु वशिष्ठ और श्रृंग ऋषि के द्वारा चार पुरुषार्थ सम्राट राजा दशरथ के आंगन में चार पुत्र खेल रहे हैं और ये चारों पुत्र हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ये चार पुरुषार्थ हैं। जब हम किसी भी कामना को लेकर के मंदिर जाते हैं या तीर्थ में जाते हैं या किसी कामना सिद्धि के स्थान पर जाते हैं तो हम सब की अभिलाषा यही है, उस इष्ट देवता से स्तुति वंदन करते हैं कि हमारा अमुक कार्य प्रभु जल्दी से जल्दी पूरा हो। देवताओं ने जब भगवान की स्तुति की कि प्रभु जल्दी से आओ धराधाम पर, असुरों का बहुत बोलबाला हो गया है, असुरों ने अत्याचार मचाया हुआ है, गाय ब्राह्मण संत भक्तों का परित्याग हो गया और असुरों का बढ़ावा हो गया, यानी तो गाय ब्राह्मण संत और भक्त को लोग त्रासना कर रहे हैं सता रहे हैं असुर लोग आकर के, तो प्रभु अब हमसे ये दुख देखा नहीं जाता, अब ही आप ही आकर के इस समस्या का समाधान करिए। देवताओं ने स्तुति की तो भगवान ने ये कह दिया कि तुम जल्दी मैं आऊंगा और धैर्य धारण करो। तो राजा दशरथ जी के यहाँ और कौशल्या माँ के यहाँ संत भक्त गौ ब्राह्मण के रक्षा के लिए भगवान यहाँ आए हैं जन्म लेकर के। पालना में चारों बालक खेल रहे हैं, कौशल्या के राम और कैकेयी के भरत और सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न हैं। चार पालने हैं, चारों तीनों रानियां चारों बालकों को देखकर के बड़ी हर्षित हैं, बहुत प्रफुल्लित हैं,
अगर किसी के घर में बहुत दिन के बाद संतान हो तो वह माँ और वह परिवार दादा दादी बड़े प्रफुल्लित होते हैं। जब तक बच्चे को गोद में नहीं खिला लेते, उसका मुखमंडल चूम नहीं लेते, देख नहीं लेते, तब तक कोई और अन्य काम नहीं करते, क्योंकि उनको पता है संतान जब घर में लेट होती है तो क्रेज ज़्यादा बढ़ता है, और संतान पर संतान, संतान पर संतान अगर लगी रहे चली आए तो क्रेज घट जाता है। कहने का अभिप्राय सज्जनों यह है कि अगर हमें कोई वस्तु बहुत सहजते प्राप्त हो जाए, बहुत जल्दी से प्राप्त हो जाए, तो उसको हमें कोई क्रेज नहीं होगा, और बहुत समय के बाद, बहुत उपचार करने के बाद अगर वो हमारे हाथ में आए तो वो आपके लिए सराहनीय है। आपके घर में कोई संत ब्राह्मण जल्दी जल्दी आ जाए तो आपका क्रेज समाप्त हो जाएगा। ये तो आते ही रहते हैं, इनका तो काम यही है। और कोई बहुत बुलाने पर साल दो साल में कभी एक बार आ जाए, उनकी आप उनके उन उसके उनके लिए आपके मन में बहुत सम्मान होगा। तो यही है, बहुत कामना के बाद, यज्ञ के बाद दशरथ जी के यहां पुत्र हुआ। तीनों रानियां प्रफुल्लित हैं, राजा प्रफुल्लित हैं, अवधवासियों ने खूब आनंद मनाया। कैकेयी सुता सुमित्रा दौ सुंदर सुत जन्म मत भय औ, सुंदर पुत्रों को जन्म दिया, और इतनी सुंदरता है, इतनी शीतलता है, इतना आनंद है कि देवता भी उससे वंचित हो गए हैं। भगवान जब आते हैं तो सभी को सुख होता है, और भगवान जब धराधाम छोड़कर के चले जाते हैं तो सभी को दुख होता है। जब भगवान चले जाते हैं तो दुख होता है, क्यों? क्योंकि कोई अब सुनने वाला नहीं है। एक पुत्र पिता का बहुत लाडला है समझो, और पिता अनायास चला जाए तो पिता पुत्र को बहुत दुख होगा कि बिना पिता के तो अब कुछ भी नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो यही है बस भगवान का काम, जब भगवान आते हैं तो अपनी माया को लेकर के आते हैं तो सभी देवता मोहित हो जाते हैं, सभी जीव जंतु मोहित हो जाते हैं, बस यही प्रभु का काम है। भगवान शिव कहते हैं माता पार्वती से, देवी कि कौतुक देख पतंग भुलाना, एक मास तई जातु न जाना, मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई, रथ समेत रब था के निशा कवन विधि हो, निशा कवन विधि हो। भगवान श्री राम जब आए ना तो सूर्य नारायण केवल एक जगह पर स्थिर होकर के देखने लगे। एक महीने तक सूर्य भगवान आगे नहीं बढ़े, एक महीने का दिन हो गया, बड़ा आनंद होने लगा। एक मास तह जात न जाना, किसी ने जाना नहीं, पहचाना नहीं कि कल दिन निकलेगा। एक महीने तक प्रकाश रहा, सभी देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि आकर के की, और जितने भी भामिनी थी अवध की नारियां आकर के श्री रामचंद्र जी का मुख देख रही हैं। जब कृष्ण का जन्म हुआ था तो जैसे ब्रज गोपियां आती थी भगवान का दर्शन करने के लिए, पालना झुलाती थी, बस वही दृश्य राम का है। अवध की नारियां जब आती हैं, राम को दर्शन करती हैं, उनको पालना में झूला झुलाती हैं, मुखमंडल को देखती हैं और निहाल हो जाती हैं।
कि हमारे राम आए हैं, हमारे रघुवर आए हैं। कि कह रघुपति सुनी भामिनी बाता, मानो एक भगत करनाता, और एक कहूँ निज चोरी, सुन गिर जाते दृढ़ मत मोर। भगवान ने एक बार सबरे को भामनी कहकर के पुकारा। सबरे ने ऊपर नीचे देखा कि मुझे भामनी कहने वाला कौन है। हिंदी के शब्दकोश में भामनी का अर्थ होता है सुंदरी। तो भगवान ने जब एक दृष्टिपात किया तो वो सुंदरी बन गई। जैसे भगवान ने कुब्जा को कहा था ए सुंदरी, वैसे तो वो टेढ़ी थी, कुब्जा नाम उसका था, लेकिन भगवान ने जैसे उसको स्पर्श किया वो सुंदरी बन गई। तो भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और मैया कौशल्या सुमित्रा केकई अपने पुत्रों को स्नान कराती हैं, सुंदर झंगुलिया पहनाती हैं, पीत वस्त्र पहनाती हैं और मुकुट बांधती हैं, डिठौना लगाती हैं, सोने की करधनी बांधती हैं, सोने की पायल पहनाती हैं घुंघरू वाली, और खड़े करके पालने में से छमक छमक पैर रखते हैं तो वो घुंघरू बांधते हैं, बाजते हैं। जब वो घुंघरू बाजते हैं चारों भाइयों के, तो एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि आवाज कहाँ से आई। अगर बच्चे के सामने कोई आहट हो, कोई आवाज हो, कोई शब्द हो तो वो चौकन्ना हो जाता है। तो वैसे ही चारों भाई एक दूसरे के मुख की तरफ देख रहे हैं और आनंद बना रहे हैं। दशरथ जी, कौशल्या, सुमित्रा, केकई,